या जी सारे लोग मर गए, अब केरला या मुंबई चले जाओ तो वहां पे समुंदर में डूबने का रिस्क रहता है, हैं? और अगर शिमला चले जाओ, कश्मीर चले जाओ तो लैंडस्लाइड का डर रहता है। सुनिए, हमारे भैया भाभी को कोई खतरा नहीं है, वो उदयपुर गए, ना वहाँ बर्फीले पहाड़ है और ना वहाँ कोई समुद्र, समझे आप? आप ही बता दीजिए कि हनीमून कैसे बनता है। उसके लिए आपको शयन कक्ष में चलना होगा। कौन सा कक्ष मिस्टर जी? अब कक्षा नहीं, कक्ष, सोने का कमरा। आप ही हमारे सोने चांदी हैं, हम काय सोने के कमरे में जाएंगे? अरे सोने का, चलो ना जल्दी, हम चल। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों को किसी का नजर ना लगे, और ये रागिनी अनुराग के हनीमून पर तो हम ही ना नजर लगाएंगे। बहुराने, रागिनी और अनुराग कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ। सासू माँ अभी तो यहीं थे, हमारे ख्याल से वो वहाँ गए हैं। वहाँ नहीं शशि जी, उधर गए हैं। से तो हम आए हैं। हाँ नहीं विष्णु जी, हम बता रहे हैं ना सासू माँ, वो उधर गए। नहीं शशि जी, हम कह रहे हैं ना आपको, उधर गए, मां उधर गए हैं। रहने दो, हम खुद ही ना देख लेंगे। हैं चलो दुलारिया, देखते हैं कहाँ गए। आपको बाकी घूमने आए हैं कि खोजाबीन करने आए हैं, से बताओ कहाँ ना लेकर आए थे तुम, भूल गई हो? कीड़ा तो कमर पे आ गया। कीड़ा किया नीचे, ये यहाँ से ऊपर। एक सेकंड रुको रुको, ये कीड़ा बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा कीड़ा है, हिलना मत। बहुत बड़ा कीड़ा है ना मिस्टर जी? बहुत बड़ा कीड़ा लग रहा है, हमारे हाथ पे आ गया। ये हाथ पे आ रहा है? हाँ, हाथ पे आ गया। हाँ। वाह, यहाँ लग रहा है, यहाँ पे कीड़ा आ गया। हाँ, कीड़ा यहाँ पे है। हाँ? अरे यहाँ तो कीड़ा, यहाँ तो नहीं कीड़ा। हाँ। ये क्या किया तुमने? हमें नहीं पता था कि हमारे बदन पे जो कीड़ा था ना वो कितना बड़ा था। तुमने मुझे कीड़ा बोला? हाँ बोला। कोई कीड़ा वीड़ा नहीं हो तुम, और बिल्ली एक नंबर की। बिल्ली? हाँ। ए, किसी बिल्ली बिल्ली से डरता नहीं हूँ मैं, समझे? हम भी किसी कीड़े वीड़े से नहीं डरते, चाहे कितना ही बड़ा हो। मेरे को बात कहें, हमको लगता है ना कि तुमको बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है, अब तुम दादी बनोगी अब जल्दी है, हमको तो लगता है। ये दुलारिया, तुम्हारे मुंह में ना घी सकता। अगर ये बिसु और सृष्टि का ना, चाहे लड़का हो या लड़की, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे बस। मिस्टर जी सुन रही हो? हाँ, अब बाकी हम तुमको मुबारकबाद ई दुनू के लिए नहीं दे रहे थे, अब का है कि बड़की भौजी अनुराग बबुआ के बच्चा का तुम पहले दादी बनोगे ऐसा हमको लगता है। तुम्हारा मुंह में राख ना भर दे हम। चली चली। तुम पहले सोचो कि क्या भरोगी मुंह में। सासू माँ बहुत ठंड है ना, हमें चाय पीनी चाहिए। हाँ सृष्टि जी, हमको चाय पिला दीजिए, हमको लग रहा है हमको जुकाम हो जाएगा। चलिए हमको छोड़ो, तुम खुद चल के देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ से हुए झांक रहे थे आप। अरे चलो पुआ, देखो तुम्हारा कैसे काटता है। अब आप यहाँ बैठी ना, मैं चाय लेके आ रहा हूँ। आप बैठिए, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे। हाँ। बैठी ना, दो कप ले आना है। हम दो कप लाऊंगा, आप बैठिए ना। हमारे लिए दो कप ले आना है, चार लेके आता हूँ, बैठिए। तुम चाय के साथ कुछ खाओगी तो मंगवा लो, जहर मिल जाएगा तो दे दो। चाय के साथ जहर कौन खाता। सुनिए, हमारे भैया भाभी को कोई खतरा नहीं है, वो उदयपुर गए, ना वहाँ बर्फीले पहाड़ है और ना वहाँ कोई समुद्र, समझे आप? दिव्या क्या कर रही हो? लेकिन वो देखिए ना कैसे हमें डरा रहा है। ऐसे अनजान लोगों के सामने घर की बातें नहीं बोलनी चाहिए, चुप रहो। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? अब हम कब बाहर वाले हो गए हैं? अरे इंश्योरेंस एजेंट जो होता है ना, वो घर का आदमी जैसे होता है। हाँ हाँ वो तो है। भैया सही कह रहे हैं, पकड़ो जरा। कुछ कह रहे हैं भैया? एजेंट बाबू आप ना धान बो दिए भाई साहब। क्या कह रहे हैं समझे नहीं। हम आपको बोल दिए हमको नहीं चाहिए जब आपका पॉलिसी वालिसी, तो कुछ लेके जाइएगा का आप यहाँ से। हाँ चलिए अब जाइए। ठीक।
ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। वैसे लाइफ में इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है भाई साहब। हमारा क्या है, हम तो पूछते पूछते सही इंसान के पास पहुंच ही जाएंगे, और वो वक्त भी आएगा जब हम आपके बच्चों तक भी पहुंच जाएंगे। सर भाई साहब नमस्कार। चल दीदी चलते हैं हम। नमस्ते। अजीब लोग होते हैं ना। कैसे बोल रहा था तुम? क्यों जबान लड़ा रही थी उससे? जाने दो। ये जिन लोग कितना लागू होता है। जाने दीजिए ना भैया, ये लीजिए आपकी चाय, पी लीजिए, ठंडी हो गई। अरे चलो चलो, अरे दिव्या को हराना भी तो भाई, आइए। सिटी ऑफ लेक्स। देखो ना, हम सब लोग भीग गए हैं। अगर ऐसे ही रहा तो सबको सर्दी हो जाएगी। और सर्दी का मतलब है घूमना फिरना बंद, बस दवाई लेके जो है सोते रहो। भैया भैया भैया, मेरे पास है ना एक आइडिया आ गया, सबके कपड़े सुखाने का। कपड़े सुखाने का क्या आइडिया है? ये देखिए ना, आइए ना भैया। हाँ, हमको है ना फोटो शूट कराना है। अरे हाँ, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर, यही हमारा काम है। लेकिन भैया एक है ना, एक दिक्कत है। वो कहा है कि हम सबके कपड़े है ना गीले हैं, तो ये सुखा देंगे। हाँ सुखा देंगे, पूरा सुखा देंगे। आप कपड़े सिखा देंगे? कपड़े सुखा देंगे। चलो ठीक है विशु यार, क्या आइडिया है, मजा आ गया यार, वेरी नाइस। चलो चलिए चलिए चलिए। मैं इसे जोकर बना के कहाँ चला गया है बिना, जल्दी से फोटो ले ले। अरे फोटो वाले भैया, अब भैया दिखाइए। फोटो वाला फोटो वाला था, किधर गया फोटो वाला? बाप रे, लगता है हमें जोकर बनाने के साथ साथ बेवकूफ बना के चला गया। ससुरा कहाँ चला गया, हाथ लग जाएगा ना तो मार डालेंगे इसको, तो जोकर बना के चला गया हमें। ए फोटो वाला, अरे यहाँ एक फोटो वाला खड़ा था, किधर गया फोटो वाला? देखा कहाँ, हाँ चला गया वो। अरे दिखाइए नहीं दे रहे हैं भैया, हमको लग रहा है वो भुटागर पर है ना, वो तो पॉकेट मार निकला। अरे वो पॉकेट मार नहीं, वो चोर निकला। फोन फोन। अरे यार विशु, तुम भी ना कहीं भी कभी भी क्या क्या करते क्या हो तुम, क्या सोचते हो? हाँ भैया, हमको क्या पता था, हमको क्या पता था, हमको क्या पता हमारा फोन ले गया वो। अरे जी आप भी, अभी तो आप देवर जी के आइडिया का तारीफ करे तो और आप है कि डांटे। कोई बात नहीं देवर जी, कोई बात। अरे तुम्हारे देवर जी का आइडिया तो अच्छा निकला, लेकिन वो चोर उसका आइडिया अच्छा नहीं था, रागिनी हमारे पूरे कपड़े ले गया, तुम क्या बात कर रही हो? कोनो बात नहीं मिस्टर जी, और आ जाएंगे, कोनो बात नहीं। अरे आप जो है ना अपने झूले का फिक्र कीजिए मिस्टर जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी इतिहास की किताब से राजा उठ के आ गया हो। ये अच्छा है बुरा है? क्या करेंगे इसमें, घूमेंगे का उदयपुर। अच्छा भाभी और डांटिए, खामगा है ना, जब देखो हमको डांटते रहते हैं। भाई क्या करूँ फिर, राजस्थानी फोक करता करता घूमूंगा उदयपुर और क्या करूँगा। एक मिनट, अब ऐसा हुलिया बना लिया है तो फोटो सेशन तो करके रहेंगे हमारे फोन से। बनता है सेल्फी से, चीज पोज पोज पोज। मार देंगे उसको ऐसे कैसे, हाँ। हमारा सारा सामान लेके चले, सब सामान लेके आया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। ऐ दुलारिया, ऐसे ना बात तुम एकदम सही कह रही हो। मारा ही नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गया था कि लालच में आके जो रागिनी को ले आए अनुराग के लिए।
अब कह को बात कहीं तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मान रही हो कि तुमको कम बुद्धि है, न तो कहाँ कोनो माने हमको कम बुद्धि, हम तो ये कह रहे हैं कि तुमको कितना ना दिमाग है और तुम कितना समझदार हो। So guys, this is my Udaipur. Udaipur is a city of lakes and you can roam around here without any hassle. Good food, good people, good roads. Enjoy my city. And this lake is the most famous lake in Udaipur. Trust me, very good lake. This lake is the... हाँ बताइए। हाँ बता रहा। Let's make a picture together. Let's do it, let's do it. Okay. Come guys, come here. One, two, three. Once again. अभी हम ही को मना कर रही थी कि का देख रही हो तुम, का देख रही अपने फुआ को इतना ही जाने हो, हैं? देख नहीं रही हो हाँ। बहुत नाइन मटक्का हो गया इन दोनों का। अब गोंद की तरह ना चिपके रहती है अनुराग से, अब देखो हम क्या करते हैं। समझी कि नहीं? एकदम मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा एक एक काम कर देंगे। अब बाकी दोनों के चक्कर में ना तुम हमारा उस सजने सबरने का सामान किन्ना मत भुलाएं। कितना सुंदर हम फूल देखे केस में लगाने के लिए, कुछ नया लगाएंगे रिबन के जगह। सब कुछ किनने के तुमको पहला ना हमारा काम करो, समझे? चलो चल भैया, हमें ये ड्रेस पहनकर है ना एकदम राजा वाला फील आ रहा है। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दबा दूंगा। वन मेरी महबूबा, तेनु ताज करूंगा। Well, I'm the king. Well, that's why you're wearing this costume. Well, this is very nice hat. Oh, you like this? Yeah, nice necklace. Thank you. Oh, and earrings. Oh, wow. Yeah, I like it. Oh, wow. Thank you. Is she your queen? Oh yeah, she's my queen. She's so pretty. तो इसमें छूने का क्या जरूरत है? This is very beautiful. एक बात बोले, अगर तुमने हमारे मिस्टर जी को दोबारा टच करने का जरूरत भी किया ना, तो हम जो तुम्हारे ये लाल लाल गाल नहीं है, ये को मार मार के ना नीला कर देंगे, समझी? What does she say? She's saying that she likes you. Oh wow! Oh, wow. She's so cute. Yeah. Cute नहीं, चुड़ैल है। और थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रहोगी ना, तो तुम्हें नोच नोच के जो है हम खा जाएंगे सब। नहीं नहीं रागिनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, है ना? चुड़ैल? Oh, angel, angel, चुड़ैल is angel. Oh, thank you, same to you, my darling. ये तुमको भी गाली दे रही है। हमें गाली दे रही है? चुड़ैल, करम जली, मुँह जौसी, तू सब है, हाँ? तू सब है। कलमू ही वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, यू टू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। कैन वी टेक अ सेल्फी? हाँ, यस, श्योर, श्योर। से चीज़ फोटो खिंचा लेते। आना जा रही हो, रुको देखो तो। हाँ, अब गायम की आएगी ना, देखो देखो इन्हें आएगी तो हमारा फोटो खींच देना है। फोन में निकाल लो तुम पहले ही से। हम कभी कभी ना सोचते हैं तुमको ला के गलती तो नहीं ना किया। हमको नहीं लाती तो तुम क्या करा पीछे आती? अरे फोटो निकालो, गांव भेजेंगे, पूरा देख रही हूँ। तुमको ना गांव भेज देंगे। हम खाना खाने के बाद है ना बाग पर चलेंगे, वो है ना फवारे के पास जाके बैठ जाएंगे। और नहीं विशु जी, हम फवारे के पास नहीं, हम पूल के पास जाकर बैठेंगे। और हम कह रहे हैं कहीं ना जाने का जरूरत है, हम सीधा जो है होटल जाएंगे। कहे कि दिन भर का सैर सपाटा करके थक ना गए होंगे? नहीं माँ, हम तो बिल्कुल भी नहीं थके हैं, अभी तो ढंग से कुछ देखा भी नहीं है, अभी तो पूरा होटल देखना बाकी है ना सृष्टि जी? जी बेटा, होटल ना देखने आए हो यहाँ क्या? अपना पत्नी के साथ जो है समय बिताने आए हो? हाँ तो माँ, हम वहाँ सृष्टि जी के साथ ही जाएंगे, दुलारी दीदी के साथ थोड़ी ना जाएंगे पूल के वहाँ। अब बेटा, पूल के पास ना साथ रहने
करने से कुछ नहीं होता है। कमरा में ना समय बिताने से क्या है कि एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। माँ, हमें कमरे में रहना होता तो घर पर ही रहते ना, यहाँ थोड़ी आते उदयपुर में। हमें ना हुआ बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे। अब ऐसे ही कहे इसको। ठीक है, पहले एक काम करो, क्या है कि ये कपड़ा उपड़ा बदल लो है, जरा मुँह हाथ धो के साफ सुफ हो जाओ, फिर हम बताते हैं क्या करना है। ले जा होटल में। चलो बिसू बाबू, ये शॉपिंग का बैग भी रख के आना। सुनो हमारा बात बेटा। देखो बहुरानी, हमारा बिसु है ना, ये बहुत भोला है। ये सब बात हम उसको नहीं समझा सकते हैं। जो कुछ भी करना है ना, तुम ही को करना है। तो बूझ रही हो ना हमारा बात का मतलब है। चलो चलो। आप मूछों में ना एकदम लल्लनटाप लग रहे थे। तो तुमने बोला क्यों नहीं, मैं निकालता ही नहीं। अब तुम बोलो तो मैं वैसी मूछें और उगा लेता हूँ। चलो ठीक है। छेनी। Oh my God! What a pleasant surprise! So happy, I'm good. So good to see you. What are you doing here? अरे मैं तो बस वैसे ही हम लोग घूमने आए थे। That's my wife, रागिनी। Hi. नमस्ते। अरे यार, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस। ये मिस्टर जी के बिना देखो पर निकला है, और देखिए कैसे बतिया रहे हैं फुदक फुदक के इस मैम से। हमको तो लग रहा है कि दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं। Have you been to that old library again? I miss that place. That was my favorite place. Move to I know. Hey, my room is here. Yeah, bye. चलो ठीक है, bye. Take care, bye. चलो। Oh shit. How to open here? Oh shit! Serious problem. हटो जल्दी हटो। तुम्हारा पैर बीच में आ गया। जाओ। Are you crazy? Bye. Good night. Bye. Good night. चले? आपको पता है आज आप राजा के ड्रेस में कितने क्यूट लग रहे थे। थैंक यू सिस्टर जी, लेकिन हमको है ना गर्मी लग रही थी इसलिए हम उतार दिए। और वैसे आपको एक बात पता है, बोलो। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। हमको लगता है तुम ही दुन्नू को ना प्यार के बूटी दे दिले हो ना। चलिए चलिए सिस्टर जी। अच्छा और इससे वो बात का है, बड़की भौजी अनुराग बबुआ कहीं दिखाई ना दे रहे, कहीं ऐसा तो ना है कि वो लोग बिना बूटिए के चालू हो गया लोग ना। चलो देखते कहाँ है। चलो चलो पूरा जल्दी, हम तो चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमको खिचड़ी खिलाने के चक्कर में वो लोग तुम्हारे लड्डू बंटवाने का काम करते। कंची से जुबान ना काट दे तुम्हारा, जब भी बोलोगे अशुभ है बोलोगी। अरे हमको सोचने दो, अभी उनका मिलन रोकने के लिए क्या करना है। चलो जल्दी चलो। उदयपुर। Here I'm coming. Oh, एक तो ये बांध बांध के मैं इतना थक गया। आज तो पूरे 2 घंटे शार लूंगा अच्छे से। खाऊंगा शार से बाहर ही नहीं। मिस्टर जी पहले हम नहाएंगे, उसके बाद आप गुब्बारे के नीचे रहना 2 घंटा, ठीक है? अच्छा? हाँ। ठीक है, तुम नहाओ और मैं देखूंगा। का? का देखेंगे आप? अरे टीवी और क्या? तुम्हें क्या लगा? हाँ, नॉटी गर्ल। हाँ, नॉटी गर्ल। क्या लगा? क्या लगा? क्या देखूंगा? हाँ, कुछ नहीं। अरे अरे खान, अरे अरे रागिनी, क्या करती हो तुम? तुम्हारा डाल तो बाहर रह गया, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो अपना। देखो मुझे, मैं कितना केयरिंग हस्बैंड हूं तुम्हारा। ये लो, इधर आओ। रागिनी। हाँ? अरे तुम्हारा डाल तो बाहर रह गया। हाँ मिस्टर जी, हम लेते हैं। लाइए दीजिए मिस्टर जी। अरे बाप रे, वो गिर गया। अरे मेरा पाँव फिसल गया। सॉरी, एक्चुअली ना वो मेरा पैर स्लिप हो गया था। अब बहुत तुमने पानी गिराया क्या नीचे? तो समझते हैं आपका पैर काय फिसला था। चलिए चलिए, ऐसे देख रहे हैं हम आजकल ना आपको कुछ
ज्यादा ही मस्ती सूझ रहा है। क्यों क्यों ना मस्ती सूझ? अपने हनीमून के लिए आया हूं यहां पे, तो मस्ती तो करनी बनती है। मिस्टर जी, अब हम दिखाएंगे आपको अपना जलवा।